सीएनजी कार का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उसका जो टैंक फिटिंग होता है डिक्की के अंदर जो आफ्टर मार्केट, वहां पे क्रैक हो जाता है वो बॉडी, जो फिटिंग रहता है टैंक वहां पे हिल हिल के गड्ढे में पड़ के गाड़ी का जो बॉडी है वो टूट जाता है। तो उसके बारे में आज का वीडियो, क्या सॉल्यूशन है उसका। जहां पे सीएनजी टैंक लगता है वहां पे बॉडी क्रैक हो जाता है, तो पीछे डिक्की से बहुत नॉइस आता है गाड़ी जब भी चलाते हैं, तो उसके लिए वेल्डिंग करवाना जरूरी है। वो नॉइस बहुत ही खतरनाक होता है और बॉडी भी ज्यादा टूट जाता होता है। सीएनजी टैंक खोलने के लिए सबसे पहले हमें टंकी खाली होना चाहिए या तो फिर उसका वाल्व ऑफ रखना चाहिए, और उसके बाद ये दो क्लैंप निकाल लेना है टंकी के ऊपर लगा हुआ है जो, और बाद में सिलेंडर वहां से उठा सकते। तो फ्रेंड्स, ये सीएनजी कार है, आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉल किया हुआ इसके अंदर। तो मैंने सबसे पहले ये यहाँ सीएनजी सिलेंडर था वो उठा के लगा दिया आगे। तो आप देख सकते हो सीएनजी कार के अंदर कॉमन प्रॉब्लम है ये, जहाँ पे स्टैंड लगता है उसका स्पेयर व्हील के ऊपर, वहीं पे ये क्रैक हो गया है। तो ज्यादातर सीएनजी गाड़ी का जो पीछे डिक्की से आवाज आ रहा है वो ये चादर फट जाने से वजह से ही आता है। फ्रेंड्स, ये चादर जब कट जाता है तो यहाँ से जंप लेती है गाड़ी, तो आप देख सकते हो आवाज आता है यहाँ। ये आवाज, ये स्टैंड जो लगा है उसकी वजह से टूट जाता है ये चादर, आफ्टर मार्केट इंस्टॉल होता है। तो इसके यहाँ पे हम इसको स्टैंड को निकाल के यहाँ पे अलग से पतरा लगाएंगे, वेल्ड करवाएंगे और इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे, तो आवाज खत्म हो जाएगा। अगर आपकी कार में भी ये आवाज आ रही है तो आप ये चेक कर सकते हो, किसी गाड़ी में यहाँ पे होता है, कोई गाड़ी में यहाँ पे होता है, कोई में यहाँ पे होता है, लेकिन ज्यादातर जो स्टैंड लगता है वहीं पे ये पतरा टूट जाता है। तो इसकी वजह आपको सबसे पहले सिलेंडर निकालना है, ये पाइप निकालना है, वाल्व ऑफ करना है, सबसे पहले वाल्व ऑफ करना है सीएनजी का, बाद में पाइप निकाल के सिलेंडर खोल के ऊपर लगा दे या नीचे लगा दे, और स्टैंड खोलना है। तो मैं अब सबको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो नट है वो खोलने वाले हम, तो स्टैंड निकल जाएगा बाहर। तो ये बोल्ट खोल लिया है फ्रेंड्स, स्टैंड निकाल दिया हमने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना टूटा हुआ है। तो ये टूट जाने की वजह से ही जब जंप लेती थी गाड़ी इस तरीके से चादर, तो ये नॉइस आ रहा था और ये टूट भी सकता है ज्यादा। तो सबसे पहले इसे वेल्ड करना जरूरी है, तो यहाँ पे आप वेल्डिंग करवाएंगे और नया चादर भी फिटिंग करवा देंगे, ठीक है। तो ये स्टैंड निकाल लिया है हमने, और ये पाइप है, तो अब करवाते वेल्डिंग। ये टूटा हुआ है, नीचे की ओर से ये व्यू है, ये चादर पूरा फटा गया है, कितना क्रैक है भारी, देख सकते हो आप। तो इसकी वजह से ये गाड़ी में आवाज आ रहा है। सीएनजी इंस्टॉल किया हुआ है आफ्टर मार्केट, तो हर कोई गाड़ी में थोड़ा सा तो रहता है, तो आपको ये चेक करना जरूरी है। तो ये वेल्डिंग करवा लिया है फ्रेंड्स हमने सीएनजी स्टैंड के नीचे, आप देख सकते हो पहले कैसा था, यहाँ पे टूटा हुआ था वो भी आप देख सकते हो। तो नीचे चादर था उसे वेल्ड करके बाद ऊपर दूसरा चादर लगाया हुआ है लोखंड का यहाँ पे, और इस तरफ भी करवा दिया है कंप्लीट। तो ये चारों बोल्ट वॉशर के साथ फिटिंग करना रहता है, एकदम परफेक्ट वेल्डिंग हुआ है। इसके नीचे कंपनी का जो चादर था वो फटा हुआ था उसे वेल्ड किया है, उसके बाद में ये न्यू चादर डाल के उसे वेल्डिंग किया गया है। और उसके अंदर एक चीज वो भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, हम आपको दिखा दें नीचे पार्ट ऑफ। एक्स्ट्रा चैनल भी आप इसके नीचे बिठा सकते हो, गाड़ी के नीचे की ओर से ये बिठा दिया है, तो ये वॉशर का भी काम करेगा और नीचे चादर को फटने भी नहीं देगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, कई बार इसे वॉशर बड़े भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े वॉशर, लेकिन हमने इस बार पूरा चैनल ही डाल दिया है, यहाँ पे जगह है, तो कोई गाड़ी में स्पेस की कमी रहती है, यहाँ पे जगह नहीं रहती है, तो काट के इतने इतने पार्टे या वॉशर भी लगा सकते हैं हम। हाफ इसमें पूरा लगा दिया, तो अब ये फटने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, परफेक्ट है ये, तो कोई आवाज नहीं आएगा सीएनजी के टैंक फिट होने के बाद। पहले खराब रास्ते में जाती थी, गड्ढे वाले रास्ते में, तो टैंक हिलता था, आवाज आ रही थी जब ब्रेक लगाते बम्प कूदते। तो कंप्लीट फिटिंग हो गया है फ्रेंड्स सिलेंडर, ये बेल्ट बोल्ट को टाइट कर दिए, नीचे वाले स्टैंड के भी बोल्ट टाइट कर दिए, और ये पाइप भी लगा लिया है, और गाड़ी स्टार्ट है अभी सीएनजी में, वाल्व भी ओपन है, और यहाँ पे चेकिंग चालू इसका फॉर्म से, कोई लीकेज वीकेज तो है नहीं ना, कुछ लीकेज वीकेज नहीं है, और अब गाड़ी के अंदर कुछ आवाज भी नहीं है, पहले जैसे बम्प करते थे या जंप लगाते थे ऐसे,
तो आवाज आ रही थी, वो यहाँ पे टूटा हुआ था इसकी वजह से। अभी वो भी कंप्लीट है तो कर देंगे रेडी फिटिंग, सब कुछ आवाज नहीं है। तो सीएनजी के अंदर आपकी कार में जो आवाज आ रही है तो आप चेक करवा सकते हो, ये नीचे पतरा चादर टूटा हुआ तो वेल भी करवा सकते हो, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।